Hello everybody, good morning, good afternoon and good evening. ये इसलिए जो सुबह देखे उनके लिए good morning, जो noon में देखे उनके लिए afternoon और जो evening में देखे उन्हें good evening. So आखिरकार वेट बहुत हो गया. So अब हम 6th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर 2nd स्टार्ट करेंगे. इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर 1 है, उस चैप्टर 1 में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, मोस्टली डिजिट्स को रीड करना, उन्हें राइट करना, नंबर्स में, वर्ड्स में, किसी भी नंबर को वर्ड्स में राइट करना, डिजिट में राइट करना, ये बेसिक क्वेश्चन हैं जो हमने अब तक किए हैं. सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 2nd हमें स्टार्ट करना चाहिए. जब आपका चैप्टर 2nd कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम चैप्टर 1st स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चैप्टर 2nd है वो आपका बेस बना देगा, उसके बाद आपको नंबर डिजिट्स में डाउट नहीं रहेगा. सो बेसिकली हमारा चैप्टर 2nd है रिलेशन अमंग नंबर्स. सो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे नंबर्स पे. सो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैंने बोर्ड पे 3 and 16 राइट किया और यहाँ पे 2004 राइट किया. तो बेसिकली अगर आप चेक करें इनमें डिफरेंस क्या है, ये सिंगल डिजिट वैल्यू है, ये डबल डिजिट वैल्यू है और ये 4 डिजिट वैल्यू है. अगर आपसे मैं कहूं कि टेल मी डिफरेंस बिटवीन 3, 16 and 2004, सो आपका आंसर रहेगा सर ये तीनों ही है, वो नंबर्स हैं. बट ऐसा नहीं है, ये आपके पास सिंगल डिजिट है, इसका मतलब सिंगल वैल्यू किस में काउंट होगी, डिजिट में काउंट होगी. और सिंगल वैल्यू से मोर देन 1 या 1 से ज्यादा 2 या 3 डिजिट जो भी काउंट होते हैं वो सब किस कैटेगरी में काउंट होंगे, वो सब नंबर होंगे. यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब किस कैटेगरी में काउंट होंगे, डिजिट्स में काउंट होते हैं. और इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हम नंबर की फॉर्मेशन करते हैं. नंबर की फॉर्मेशन कैसे, जैसे मान लो कि मैंने 3, 1, 2, 4 लिखा तो ये वैल्यू क्या होगी, 3124. तो इन डिजिट का यूज करके हमने फॉर्मेशन किया किसका, नंबर का. तो आई होप कि आपको नंबर और डिजिट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर होगा. सिंगल डिजिट वैल्यू है दैट इज डिजिट, या सिंगल से मोर देन है, 1 है 2 3 4 है, वो नंबर में काउंट होगा. सो बेसिकली अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं इसी टाइम अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 23 इज ए, ऑप्शन ए है आपके पास डिजिट, ऑप्शन 2 है आपके पास नंबर, तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा कि 23 है वो किस कैटेगरी में काउंट होगा, नंबर की कैटेगरी में काउंट होगा. और अगर मैं आपसे ये कहूं कि 9 इज अ डिजिट और नंबर, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, डिजिट राइट रहेगा, क्योंकि सिंगल वैल्यू है वो डिजिट में काउंट होगी, डबल या ट्रिपल वैल्यू है वो नंबर्स में काउंट होगी. सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है. अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन अमंग नंबर्स. तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि चैप्टर में है क्या. चैप्टर में हमारे पास है फैक्टर्स फाइंड करने हैं हमें, मल्टीपल राइट करने हैं हमें, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने हैं. बेसिकली जो मेन चैप्टर की लीड टॉपिक्स हैं वो फैक्टर, मल्टीपल, एचसीएफ एंड एलसीएम है. तो फर्स्ट हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो फैक्टर एंड मल्टीपल रहेगा. सो बेसिकली एक एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करें कि फैक्टर क्या है. जैसे मैंने ये कहा कि 15 है, सिंपल सी बात है. अब आप ये चेक करो कि 15 किस टेबल में आएगा. 2 की टेबल काउंट करेंगे 15 नहीं आएगा, 3 की टेबल काउंट करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. यानी कि 3 की टेबल को हमने 5 टाइम्स काउंट किया तो हमारा आंसर क्या रहा, 15 रहा. इट मींस कि 3 एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15.
थ्री और फाइव है वो किसके फैक्टर होंगे, 15 के फैक्टर होंगे। यानी कि फैक्टर होने का मीन ये हुआ 15 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। फैक्टर क्या है, फैक्टर ये है, ए फैक्टर इज ए नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ दैट नंबर, यानी कि उस नंबर को डिवाइड करने वाला डिजिट होता है वो फैक्टर होगा। वो नंबर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है। तो अब आप ये चेक करो कि अगर मैं 3 से डिवाइड करूं 15 को तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 15 काउंट होता है, 5 की टेबल में भी क्या काउंट होगा, 15। तो डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन ये हुई कि 3 एंड 5 इज फैक्टर ऑफ 15, या हम ये कह सकते हैं कि 15 इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो 3 और 5 का मल्टीपल भी क्या है, 15 है। अब ये मल्टीपल क्या है इस पर हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको फैक्टर बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, राइट ऑल फैक्टर ऑफ 16, आपको 16 के फैक्टर राइट्स करने। तो फैक्टर राइट कैसे करेंगे, सिंपल ट्रिक है, आप उस टेबल को सिलेक्ट करो जिस टेबल में 16 आएगा। 2 की टेबल अगर काउंट करें तो 2 की टेबल में 16 100% आता है, 3 की टेबल में 16 नहीं आएगा, 4 की टेबल में 16 आएगा, 5 की टेबल में 16 नहीं आएगा, 6, 7 तक की टेबल में 16 नहीं आएगा, 8 की टेबल में 16 आएगा, 9 की टेबल में 16 नहीं होगा, 10 की टेबल में 16 नहीं होगा, 11 की टेबल में 16 नहीं होगा, लास्ट जो फैक्टर रहेगा वो 16 ही रहेगा। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि फैक्टर ऑफ 16 आर 1, क्योंकि 1 से तो ऑलवेज टोटल नंबर्स डिवाइड होते हैं, 2, 4, 8 एंड 16, तो ये जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, ये किसके फैक्टर रहेंगे, 16 के। रीजन क्या है कि जब हम टेबल राइट करते हैं तो उस टेबल में 16 आपका काउंट होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि हमें फैक्टर राइट करना है, सपोज दैट कि 18 का हमें फैक्टर राइट करना है, 18 के फैक्टर्स। तो आप जस्ट स्पीड से ये माइंड में कैलकुलेट करो कि 18 है वो किस टेबल में काउंट होगा। सो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऑल फैक्टर ऑफ 18, हम आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। सिंपल सी बात है कि 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू वही आएगी, 1 सभी का फैक्टर होगा, 1 है वो ऑल नंबर्स का फैक्टर होता है, तो ये तो आपको फर्स्ट राइट करना ही होगा। अब मैं 3 की टेबल काउंट करता हूं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 3 की टेबल में 18 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका फर्स्ट फैक्टर क्या हुआ, 3। 4 की टेबल काउंट करते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। तो 4 की टेबल में 18 काउंट नहीं होगा, इसका मतलब कि 4 18 का फैक्टर नहीं है। 5 की टेबल काउंट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। तो 5 की टेबल में भी 18 काउंट नहीं होगा, तो 18 का फैक्टर 5 नहीं होगा। 6 की टेबल काउंट करें, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 6 की टेबल में भी क्या काउंट हो रहा है, 18 काउंट हो रहा है, 7 में नहीं होगा, 8 में नहीं होगा, 9 की टेबल में हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, फिर 11 में नहीं होगा, 12 में नहीं होगा, 18 की टेबल में होगा डायरेक्ट, 18 1 इज 18। सो ये हमारे पास फैक्टर्स होंगे। सो एक एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हम इसे इस टॉपिक को फिनिश करेंगे कि मेरे पास जो वैल्यू है वो 48 है, तो मैं 48 के फैक्टर राइट करने हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 48 के फैक्टर राइट करने हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेबल राइट करोगे। तो मैक्सिमम
20 अप टू 20 आपको टेबल क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 48 आर, वन तो सिंपल है रहेगा। अब आपको ये बता दूं कि लास्ट में 8 है ना, 8 2 की टेबल में आएगा तो फर्स्ट क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब आप ये चेक करो कि इसमें 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसका मतलब कि 4 भी इसका फैक्टर है। सेकंड 6 की टेबल में 18 आएगा, 48 आएगा, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 5 की टेबल में 48 नहीं होगा, 8 की टेबल में 48 होगा, 12 की टेबल में 48 होगा, 16 की टेबल में 48 होगा और 24 की टेबल में 48 होगा और लास्ट 48 की टेबल में 48 काउंट होगा। तो ये जो फैक्टर्स है, ये टोटल है, वो टेबल पे डिपेंड है। तो आपको टेबल अच्छी तरह से लर्न है तो आप सारे फैक्टर राइट कर सकते हो। सो इसका सिर्फ सिंगल मेथड यही है कि आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, टेबल में जो वैल्यू काउंट होगी वो फैक्टर होगी। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 27 राइट किया और मैंने आपसे कहा कि राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 27, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 27 आर, फर्स्ट तो क्या रहेगा, 1, 2 की टेबल में 27 काउंट नहीं होता है, 3 की टेबल में काउंट होगा, 3 9 जा 27, तो सेकंड फैक्टर क्या हुआ हमारा 3, 4 की टेबल में 27 काउंट नहीं होगा, 5 में भी नहीं होगा, 6 पे भी नहीं होगा, 7 में भी नहीं होगा, 8 में भी नहीं होगा, तो 9 3 जा 27 और लास्ट जो टेबल रहेगी वो क्या रहेगी, 27, जो इसे सेल्फ डिवाइड करेगी। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके सामने टोटल टेबल होनी चाहिए 2 टू 20, आप डिजिट चेक करो, टेबल में चेक करो किस टेबल में काउंट होगा, वो सब फैक्टर हो जाएंगे। तो आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट में किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहेगा। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मल्टीपल, राइट मल्टीपल ऑफ 6, हमें किसके मल्टीपल राइट करने हैं, 6 के। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ आपको, आपको कितने मल्टीपल राइट करने हैं, 5। मल्टीपल का मीन होता है आपको जो डिजिट गिवन है उस डिजिट की टेबल राइट करनी है, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो मैं 6 की टेबल राइट कर रहा हूँ, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो आप राइट करोगे मल्टीपल ऑफ 6 आर 6 12 18 24 एंड 30, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो आर यू गॉट इट कि मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल होता है जो डिजिट आपको दिया है उसकी टेबल राइट करनी है। अगर मैंने 6 टाइम बोला है तो 6 टाइम तक आप टेबल राइट करोगे, अगर मैंने 4 टाइम्स बोला है तो 4 टाइम्स टेबल राइट करोगे। जैसे एग्जांपल करेंगे हम, राइट 6 मल्टीपल ऑफ 8, हमें 8 के कितने मल्टीपल राइट करने हैं, 6। तो बेसिकली आपको 6 तक इसकी टेबल को राइट करना है। 8 की टेबल 1 टाइम काउंट की 8, 8 की टेबल को 2 टाइम काउंट किया 16, 3 टाइम्स 24, 4 टाइम्स 32, 5 टाइम्स 40, 6 टाइम्स 48। तो क्लियर हुआ यहां से। तो अब आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि मल्टीपल ऑफ 8 आर 8, 16, 24, 32, 40 एंड 48। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो आई होप कि आपको इन दोनों में कोई डाउट नहीं होगा। फैक्टर्स में आपको टेबल चेक करनी है, मल्टीपल्स में आपको टेबल राइट करनी है। सो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है।
सो अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट होता है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे 24 आवर्स। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, और स्टडी कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।